हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो भाई आज हम खेलने वाले हैं हाउस फ्लिपर। और भाई जैसा ही इस गेम का नाम है वैसा ही अपना इस गेम में काम है। तो भाई इस वाली गेम में हम बहुत सारे काम करने वाले, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, पेंटर, कारपेंटर और भाई बहुत सारे। बेसिकली भाई इस वाली गेम में हम एक एजेंट की तरह काम करने वाले हैं, जो कि भाई पुराने घरों को लेता है और भाई उसको रिनोवेट करके फिर भाई अच्छे दाम में बेचता है। और बहुत ही सही अपना ये काम इस वाली गेम में होने वाला है और क्या ही मजा आने वाला है। और भाई बहुत सारे काम करता है, जैसे कि मतलब किसी को अपना घर सिर्फ रिनोवेट भी करना होगा तो वो भी हम कर देते हैं। तो भाई ये छोटा अपना एक ऑफिस है, तो सबसे पहले इसको हमें रिनोवेट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे आप लोग कचरा देख रहे हो कितना है। तो ये सब कुछ हम डिस्पोज कर रहे हैं फिलहाल। चलो अभी घर के, ओ ये मतलब क्या है यार, ये ऑफिस किसने कहा ये ऑफिस है भाई, पूरा का पूरा यहाँ पे कचरा पड़ा है। तो भाई इस लैपटॉप से अपना सारा का सारा काम होने वाला है। तो अभी ये देखो हम इसको डिस्पोज कर रहे हैं, तो भाई एक बार ही देख लेते हैं। नहीं भाई, अपने पास एक भी टूल नहीं है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा कचरा हुआ पड़ा है, तो अभी हमें सबसे पहले ये सारा का सारा क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पे काम वगैरह कर पाएंगे, नहीं तो भाई वाइब नहीं आएगी उतनी अच्छी। तो ये सब कुछ अभी साइड में, अपने लैपटॉप को भाई यहाँ पे मैं रख देता हूँ साइड में थोड़ा सा। ऑल राइट गाइस, तो जितना हमसे हो सकता था उतना हमने कचरा वगैरह डिस्पोज कर दिया है। और ये चीजें कहाँ पे रखनी वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे अपने लैपटॉप पे देख लेते हैं, अब हमें मेल आ गया है। ओके, तो गाइस यहाँ पे एक लड़की ने हमें मेल किया है और उसके एक बॉयफ्रेंड ने उसका हाउस वगैरह कुछ मेस कर दिया है, मतलब उसको थोड़ा सा तहस नहस कर दिया है। तो वो सारा का सारा हमें अच्छे से करके लेना है, रिनोवेट वगैरह करना है थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ उसकी कुछ चीजें यहाँ पे मिस हो गई है तो वो भी हमें ढूंढनी है। और उसने बोला कि पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म मत कर, वो तो भाई उनका पर्सनल मैटर है। तो चलते हैं, अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया है वो वाला चीज। ऑल राइट गाइस, तो अपने पास एक नया टूल भी आ चुका है, ये देखो ब्रूम आ चुका है अपने पास। और ये घर है भाई वो, चलते हैं इसके अंदर। अबे भाई कौन था ये गधा, मतलब इतना ज्यादा खराब कर रखा है। तो भाई सबसे पहले ये चीजें डिस्पोज करो, मतलब ये देखो ये कैन वगैरह क्या ही गंद मचा रखा है यार। जो चीजें डिस्पोज करने लायक है वो सारी की सारी सबसे पहले डिस्पोज कर देते हैं। और अभी चलते हैं बेडरूम के अंदर। अबे भाई न्यूज़पेपर वगैरह इतना क्यों बिखरा के रखा है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमें एक टैबलेट भी मिल चुका है, जिसकी मदद से हम नई नई चीजें खरीद सकते हैं और भाई अच्छे से रिनोवेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये तो भाई बहुत सही चीज थी। तो भाई जो भी डिस्पोज करने लायक चीज थी वो सारी की सारी हमने डिस्पोज कर दी है। तो भाई अभी ये सबसे पहले ये बाग सारे के सारे निकालते हैं, ये तो भाई अपने ब्रूम से निकल जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, तो फाइनली बहुत सही हो रहा है ये काम। ऑल राइट निकल जा भाई। ओके, ये भी निकल गया और बहुत ही सही से साफ हो रहा है, मतलब नया जैसा चमक रहा है। तो ये भी साफ कर देते हैं। ओके, अबे भाई दीवार पे तक चींटे उड़ गई है और भाई अपना झाड़ू भी कुछ कम नहीं है भाई, किसी भी प्रकार का दाग यहाँ पे मिट जा रहा है इससे भाई, मतलब किसी मशीन की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक ही अपना झाड़ू लो और सब कुछ साफ वगैरह कर दो। ओके, तो सारा घर हमने साफ तो कर दिया है, तो अभी हम इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं और इसको रखते हैं यहाँ पे। ओके, चेयर को उठाते हैं, अबे इसको घुमा के इसके आगे रख देते, इसको इस वाली साइड पे रख देते हैं और ये अपना फ्लावर पॉट रखते हैं यहाँ पे। अभी कैसा मतलब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। ओके, तो भाई अभी हमने घर तो अच्छे से साफ कर दिया है, बट अभी इसमें थोड़ी सी चीजें ऐड करनी है। तो अपना टैब खोलेंगे और ये देखो यहाँ पे ये रेडिएटर लगाना है भाई। ओके, तो भाई हमने रेडिएटर तो ले लिया है, बट वो यहाँ पे लगाना है, मैं घर के बाहर ढूंढ रहा था यार, अभी सही से लग रहा है। नहीं, इसको असेंबल भी करना है भाई हमें। ऑलराइट, ओ भाई बहुत ही ज्यादा सही काम है ये तो। पूरा अभी हम प्लम्बर का काम कर रहे हैं भाई, अब जैसा कि मैंने बोला था यहाँ हमें बहुत सारे काम करने। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली अपना रेडिएटर अच्छे से वर्क कर रहा है और मतलब सही से इंस्टॉल हो चुका है। अभी ये वाला डोर बंद कर देते हैं और अपना काम मतलब सही से हो गया। इस वाले घर में ज्यादा रिनोवेशन नहीं था, सिर्फ साफ सफाई थी और ये रेडिएटर बिठाना, तो इतना काम सही था। ओके, तो अभी अपना पहला काम तो हो चुका है और इससे हमें अच्छे खासे पैसे मिल चुके हैं और $50 हमने कुछ खर्चा किया था वो रेडिएटर लेने में। ऑल राइट गाइस, तो वापस से हम अपने ऑफिस में आ चुके हैं और अभी अपने पास टूल आ चुका है। तो भाई सबसे पहले अपने ऑफिस को ही थोड़ा सा साफ वगैरह कर देते हैं, क्योंकि यही देखने में अच्छा नहीं लग रहा। ओके, तो गाइस अभी अपने से जितना सकता था उतना तो हमने साफ कर दिया है और अपने पास फिलहाल एक ही टूल है, तो जिससे भाई मकड़ी के जाले वगैरह सीलिंग जो भी था अपने भी डाग वगैरह थे वो सारे के सारे हमने हटा दिए। अभी वापस से काम करते हैं भाई, क्योंकि इससे हमें ज्यादा पैसा मिलेगा तो हम अपना घर भी अच्छा कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे हमें 3 मेल आ चुके हैं भाई, तो देखते हैं अभी। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ के तीनों मेल पढ़ लिए है और सबसे पहले में हमें गैरेज साफ करना है, दूसरे में हमें सिर्फ रेडिएटर बिठाना है मतलब प्लम्बर का काम हो जाएगा, और तीसरे में गार्डनर का काम समझ लो आप लोग, बाहर का कुछ काम है। तो सबसे पहले हम जाएंगे गैरेज वाले के पास और तीनों के तीनों निपटा देंगे भाई काम, क्योंकि इतना ज्यादा काम नहीं होता यहाँ पे। ऑल राइट, तो इसके घर के अंदर भी हम आ चुके हैं, चलते हैं भाई अंदर। ओके, तो हम इसके गैराज में तो आ चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा गंद है यार। सबसे पहले ये सारे के सारे बॉक्सेस वगैरह डिस्पोज कर देते हैं, क्योंकि इनका कुछ काम नहीं है अभी, उन्होंने भी यही बोला था बॉक्सेस वगैरह सारे के सारे हटाने। ओके, तो हम ये टायर भी हटा सकते हैं भाई, और ये भी बिना काम किया शायद से, मतलब ये वाली साइड के जो टायर थे ना भाई वो खराब वाले थे ऐसा मुझे लग रहा है, तो वो हमने हटा दिए। ये अच्छे होंगे, नहीं हाँ ऊपर के अच्छे, नीचे के अच्छे ऊपर के बेकार से थे। ये देखो ये भी खराब है, ये भी खराब है। ओके, तो सारा का सारा गंद जो था वो हमने हटा दिया है और दो दो साइकिल्स यहाँ पे पड़ी है। तो सबसे पहले अपना ये टूल निकालते हैं और इससे भाई सारा का सारा क्लीन कर देंगे, अच्छा लगने लगेगा फिर। जैसा कि मैंने बोला था भाई अपना झाड़ू बहुत ही मतलब सबसे खतरनाक टूल है।
तो भाई फाइनली हमने सारे के सारे दाग वगैरह तो हटा दिए यहाँ से। तो सबसे पहले हमें साइकिल उठानी पड़ेगी भाई, इसको उठाते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको करके यहाँ पे पार्क। इसके बाद हमें निकालना है वापस से अपना झाड़ू। ऑल राइट, तो इन साइकिल्स को उठाते अभी और इनको रखते हैं, थोड़ा सा रोटेट करेंगे और इसी जगह पर पड़े हुए थे इसलिए यहाँ पे खड़े कर रहे हैं, और बीच में तो भाई उनकी गाड़ी भी आएगी ना। ओके, तो हमें ये विंडो साफ करना है भाई, ये विंडो का काम रहेगा। बट मुझे तो यहाँ पे सब कुछ साफ ही लग रहा है। एक नया टूल हमें मिला है भाई शायद से, और इससे ये देखो थोड़ी सी जो धूल है उस पे वो हमें साफ करनी है। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हमने ये विंडो भी क्लीन कर दिया है और अपना यहाँ का काम कम्प्लीट हो चुका है भाई। तो चलते हैं अभी दूसरे काम की तरफ। ओके, तो भाई दूसरा काम कम्प्लीट करके भी हम घर पे आ चुके हैं, और अपने घर का तो भाई क्या ही हाल है, मतलब दूसरे के घर हम सुधार रहे बट अपना घर भाई बहुत ज्यादा बकवास लग रहा है। और अभी जल्दी से जाएंगे भाई तीसरे काम पे, और मतलब बहुत सारे टूल अपने पास आ जाएंगे नए नए, तभी भाई हम अपने इस वाले ऑफिस को रिनोवेट करेंगे अच्छे से। तो चलते हैं जल्दी से तीसरे काम पे अपने, और लैपटॉप तो भाई मुझे सीधा मैकबुक लग रहा है। ओह, यहाँ पे चौथा काम भी अपने लिए आ चुका है, बट अभी हम ये रेडिएटर वाला करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा तामझाम नहीं रहेगा भाई, सीधा एक रेडिएटर फिक्स करने आ जाना है। ऑलराइट गाइस, तो इस वाले घर में भी हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमें शायद से रेडिएटर बिठाना है, ये देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम रेडिएटर खरीदे हैं भाई यहाँ पे और वही वाला बिठाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो पहला रेडिएटर तो हमने फिक्स कर दिया है, तो अभी इसको असेंबल करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे इसको रखा, ये स्क्रू टाइट करो भाई जल्दी से, यहाँ से भी स्क्रू टाइट कर दो। ऑल राइट, तो ये वाला रेडिएटर भी वर्क कर रहा है, बट अभी भाई मुझे लगा एक ही रेडिएटर बिठाना पड़ेगा, नहीं भाई हमें तो भाई हमें यहाँ पे दो दो रेडिएटर बिठाने हैं और भी चीजें बिठानी है, शायद से सिंक बिठाना है यहाँ पे। ओके, तो सिंक के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, तो सिंक हम सस्ता सही लेंगे, ज्यादा कुछ महंगा नहीं लेंगे, ये वाला बिठा देते हैं। ओके, ये देखो इसको सबसे पहले हमें अनस्क्रू करना है, मतलब यहाँ से पानी वगैरह आ जाए भाई, ये देखो बहुत ही सही गेम है यार ये। ओके, तो भाई अभी इसको भी हमने फिक्स कर दिया है सही से, अभी इसको असेंबल करना पड़ेगा। क्या करना है भाई यहाँ पे असेंबल करने के लिए? ओके, तो नीचे जाना था, ये वाला स्क्रू टाइट करते हैं और इसको यहाँ पे जॉइंट कर देना है। ऑल राइट, तो ये भी हमने स्टार्ट वगैरह तो कर दिया। अबे भाई स्क्रू वगैरह भी टाइट करने पड़ते हैं बहुत सही से, ये देखो इसको भी यहाँ पे जॉइंट कर दिया और इसको कर दिया ऑन। तो भाई फाइनली हमने यहाँ पे एक सिंक तो फिट कर दिया है, बट इसके साथ हमें यहाँ पे एक टॉवल रेडिएटर भी बिठाना है। तो वापस से हम अपनी टैब पे जाएंगे और यहाँ पे देखते हैं भाई टॉवल, ये देखो यहाँ पे ये है, तो इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं अभी। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है, बट अभी इसको असेंबल करना है। यहाँ पे मतलब एक एक चीज करनी पड़ती है, तो इसके अलग ही मजा है। तो ये भी फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और अभी हमें और एक रेडिएटर बिठाना भाई, मतलब पूरे घर में रेडिएटर बिठा रहा है ये बंदा। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली ये वाला रेडिएटर भी हमने सही से फिक्स कर दिया है, और भाई तीसरा काम भी अपना सक्सेसफुली कम्प्लीट हो चुका है। तो अभी चलते है अपने घर की तरफ। ऑल राइट गाइस, तो वापिस हम अपने ऑफिस में तो आ चुके हैं, और अभी देखते है भाई और भी बहुत सारे मेल अपने पास आए हुए हैं, और ये गार्डन वाला काम हम फिलहाल नहीं करेंगे, वो बाद में देखते हैं। ओके, तो इस वाले घर में भाई हमें पेंटिंग भी करनी है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिशियन का भी काम है, तो ये तो भाई हमने एक्सेप्ट कर लिया है। चलते हैं अभी इसके घर में और देखते हैं भाई। ऑल राइट गाइस, तो हम इस वाले घर में भी आ चुके हैं, तो देखते हैं अभी यहाँ पे पेंट कैसे करते हैं, क्योंकि हम पहली बार आए पेंटिंग के लिए। ओके, तो हमारे पास दो दो नए टूल आ चुके हैं, ये तो भाई अपना पेंटिंग ब्रश होगा, इससे हम पेंट वगैरह कर सकते हैं, बट ये गन किस चीज की है भाई? ऑल राइट, तो भाई इससे हम चीजें वगैरह बेच सकते हैं सीधा, ये देखो सीधा पॉइंट किया और इसका प्राइस आ गया अपने पास, बट ये नहीं बेच सकते हम क्योंकि वो मतलब इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पे भाई। पेंट वगैरह खरीदना पड़ेगा हमें शायद से, तो वो तो अपने टैब में ही आया होगा, तो देख लेते एक बारी। ओके, तो इस वाले कलर से हमें पेंट करना है, ये देखते हैं अभी। ओ, ये तो खरीदना पड़ेगा अभी भाई, अपना पेंट का काम करते हैं, उसके लिए हमें यहाँ से पेंट खरीदना है, ये वाला दोनों के दोनों पेंट खरीदने हैं, तो मीडियम वाला खरीद लेते हैं। ओके, मीडियम बाल्टी हमने यहाँ पे खरीद लिया है, और ऐसे करके हमें भाई पूरा का पूरा घर करना है। तो हमें दो ही रूम करने हैं शायद से, लिविंग रूम एंड किचन, मतलब ये एक ही हुआ, तो यही हमें पेंट करना है भाई। ओह, तो हमें बार बार रिफिल करना पड़ेगा, तो पूरी की पूरी बाल्टी शायद से हमें यहाँ पे लेके आनी चाहिए। तो भाई ऐसे करेंगे तो भाई बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो ये बाल्टी की बाल्टी यहाँ पे रख देते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी इसे पेंट करने में। तो निकालते हैं अपना ब्रश और वापस से अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हमने एक वॉल तो कंप्लीट कर ही दिया, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा बाकी है, और अपना एक डिब्बा यहाँ पे खत्म हो चुका है भाई कलर का, तो हमें और डब्बे लाने पड़ेंगे। और भाई अभी तो पूरा रूम करना है, अभी तो सिर्फ एक ही वॉल ही हुई है, तो भाई ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। अभी इसको बेच देते हैं भाई इस डब्बे को, देखते हैं इसका क्या प्राइस आता है। ओह, बिना प्राइस के, मतलब खाली डब्बा था इसलिए बिना प्राइस का बिक गया भाई। तो हमें अभी ऑर्डर करना पड़ेगा यार थोड़ा सा कलर। तो दो डब्बे यहाँ पे अपने पास आ चुके हैं, और अभी भाई करते हैं अपना काम वापस से फटाफट, निकालते अपना पेंट ब्रश। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हमने पूरा का पूरा ये जो लिविंग एरिया है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है, ग्रे कलर देने को बोला था वो दे दिया। तो अभी भाई ये डब्बे वगैरह को देखते हैं क्या करना है इसका, दूसरा डब्बे का क्या होगा वो मुझे देखना है, क्योंकि उसमें अभी भी पेंट है भाई। ओके, तो वो सेल हो गया भाई, और ये खाली था वो ऐसे ही कूड़े में चला गया। ओके, तो ये भी अपना काम हो चुका है, तो दरवाजा हमने बंद कर दिया और सीधा निकलते भाई अपने ऑफिस के लिए। ओके, तो भाई फाइनली हम अपने ऑफिस में आ चुके हैं, और अगली
वाली वीडियो में भाई हम अपने इस वाले ऑफिस को रिनोवेट करेंगे, क्योंकि अपने पास यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी नई नई चीजें आई है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई अगली वाली वीडियो देखना भूलना मत। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो और ये वाला गेम अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वाले वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।